उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने सोमवार को हांसी के नागरिक अस्पताल में पीएम केयर फंड से स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में इमरजेंसी और वार्डों का भी निरीक्षण किया। इसके बाद डॉक्टर प्रियंका सोनी बीड फार्म में डंपिंग साइट पर गई। डॉक्टर प्रियंका सोनी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए हर हॉस्पिटल में तैयारियां की जा रही हैं। इसके चलते आज हांसी के नागरिक अस्पताल का दौरा किया है। यहां पर पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगना है। कल से इंजीनियर यहां आएंगे और जल्द ही इस प्लांट का काम भी पूरा होगा। इसके बाद यहां हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। वहीं डॉक्टरों की जो कमी की हमें शिकायत मिली है उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। किया जा रहा है और इसके चलते जो ऑक्सीजन प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो लग रहा है उसकी इंस्पेक्शन की जा रही है और आगे अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसके लिए हमारी तरफ से तैयारियां पूरी रहें उसकी आज पूरी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ जो आपने बताया डॉक्टर्स की कमी है, इन जनरली पूरे डिस्ट्रिक्ट में डॉक्टर्स की कुछ कमी रहती है, परंतु यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है उसका जो बेस्ट उपयोग है, जहाँ पे जिस चीज़ की आवश्यकता है आवश्यकता अनुसार हम यहाँ पे बेस्ट ऑफ स्टाफ दे सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि हाल फिलहाल हमारे ज़िले में पूरे केसेस ही 4 केसेस आते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ डेडिकेटेड जो चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल ओपी जिंदल स्कूल में बना हुआ है ऑलरेडी, वो भी फंक्शनल है, सिविल हॉस्पिटल में फंक्शनल है। आप देखिए जब पूरे ज़िले में ही 4 केसेस 5 केसेस एवरेज प्रतिदिन आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी आइसोलेशन वार्ड बनाने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, परंतु फ्यूचर के अकॉर्डिंग हमारी जो तैयारियाँ हैं वो पूरी रेडी हैं। जिस दिन केसेस इतने ज़्यादा बढ़ेंगे कि हमें हांसी में भी एक अलग आइसोलेशन सेंटर बनाने की आवश्यकता होगी, उस दिन हमारे सारे संसाधन यहाँ पे रेडी होंगे। एज ऑफ नाउ जैसा कि मैंने आपको कहा कि रैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हमें करने हैं, चाहे रिसोर्सेज हमारे इक्विपमेंट्स हो, बेड्स हो, स्टाफ हो, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अभी सफिशेंट है। किसी भी पेशेंट को किसी भी प्रकार की कोई अभी परेशानी नहीं है कोविड से रिलेटेड। रही बात बाकी सुपर स्पेशलिटी की तो उसके बारे में आज हम इनसे चर्चा करेंगे। जो यहाँ की डिमांड है, जो यहाँ की आवश्यकता है, उसके अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है हम वो कराएंगे। देखिए ये जो आपने समस्याएँ आप हमारे संज्ञान में लाए हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो जल्द से जल्द उनका निदान हो और ताकि हांसी के जो लोग हैं उन्हें और भी ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकें। ये ऑक्सीजन प्लांट मैम कब तक हो जाएगा? जैसे कि अभी आपके सामने बताया गया है कि कल सुबह ही वो इंजीनियर्स आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है अगले 1 महीने के अंदर ये काम 100% कंप्लीट होके ऑपरेशनलाइज भी हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल हैपन, डेफिनेटली आपके सामने है, स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी रेडी, कल इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, जो उनका इक्विपमेंट्स है दैट विल ऑल्सो कम एंड वी आर होपफुल वी विल बी फुली प्रिपेयर्ड। बस शिकायतें आई हैं, उन पे सब पे कार्रवाई चल रही है, जो दोषी हैं उनको सजाएं भी हो रही है।